जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बर्तन बहुत ही गंदा है। ये सिर्फ 5 दिन में अगर पानी स्टोर करने के लिए मैं रखती हूँ तो इस टाइप से निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे पास अभी फ़िल्टर नहीं है तो मैं ऐसे पानी सेव करती हूँ भगोने में। तो मैंने लेके आई हूँ ये बाय 3 गेट 1 पतंजलि का डिश वॉश, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। काफ़ी दिन यूज़ करने के बाद मैंने इस पे एक वीडियो बनाने की सोची, तो सोचा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर कर देती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मेरे और भी ऐसे बर्तन थे जिसमें दाग पड़ गए थे, पर मैंने जब पतंजलि का ये वाला डिश वॉशर यूज़ किया तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट निकला मुझे, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर ही देती हूँ। इसके जो भी प्रोडक्ट हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, और पतंजलि का जो ये डिश वॉश है इसमें डली हुई है बहुत ही ओरिजिनल जड़ी बूटियाँ, जैसे कि जो आंवला वहाँ पे जो उनकी फैक्ट्री में जो भी वेस्टेज बच जाता है उसी को उन लोगों ने यूज़ करते हुए ये प्रोडक्ट बनाया है। तो इसकी क्वालिटी बहुत ही हाई हो जाती है, और वहाँ पे जो भी जड़ी बूटियाँ हैं उनको, जैसे आंवला की हो गई जड़ी बूटी, एलोवेरा की, वो सब इसमें डला है। खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, और इन पे जब भी आप यूज़ करोगे बर्तनों को इस पे क्लीन करने के लिए, तो इस पे दाग बिल्कुल नहीं आते हैं। बिल्कुल भी जो एक वाइट वाइट कलर के दाग बन जाते हैं बर्तनों में कई बार धोने के बाद, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं वीडियो को और आपको क्लीन करके बताते हैं कि कैसा यूज़ होता है ये प्रोडक्ट। ये है पतंजलि का, मैं लेके आई थी, इसमें एक फ्री मिला था मुझे और पूरी टोटल प्राइस थी 21 रुपये इसकी। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं, और खोलने के बाद ये कैसा दिखता है। और रियली में जैसे आपने अभी मंजन यूज़ किया होगा वो ही खुशबू आती है, बहुत ही लाइट। मंजन में थोड़ी तेज़ आती है, इसमें बहुत ही लाइट आती है लेमन, और रियली में एक बहुत ही सौंधी मिट्टी की खुशबू आती है इसके अंदर, तो वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे हाथ मेरे बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए जब मैंने इससे बर्तन मांजे, तो वो चीज़ भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा दाग बने हुए हैं और वो बिल्कुल निकल नहीं रहे हैं। मैंने विम बार से भी यूज़ करके देखा था, पर विम बार से भी बिल्कुल दाग नहीं निकला, जिसकी वजह से फिर मैंने सोचा एक बार इससे ट्राई करके देख लेते हैं। तो पतंजलि का जब मैंने यूज़ किया तो रियली में इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, और ये दाग बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हाथों से। तो पर मैंने जब ये यूज़ किया तो मुझे ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगा, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको रब करा होगा और इसका सारा जो यहाँ पे कैल्शियम टाइप का ये वाइट वाइट जो जम गया है वो निकल गया था। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको थोड़ी सी ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। विम बार के बाद मैंने बहुत सारे और भी प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ डिश वॉश में, पर मुझे इससे अच्छा कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला। मुझे कुछ के तो नाम भी याद नहीं आए हैं, सिर्फ बचपन से विम बार यूज़ करते हैं तो उसका नाम याद है, पर वो भी इससे निकल नहीं रहा था। तो फिर फाइनली मैंने सोचा अब एक बार पतंजलि का प्रयोग करके देख लेते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। तो यहाँ पे आपको बस इस टाइप से थोड़ा सा मलना है, 1-2 मिनट के लिए आप मलेंगे। देख सकते हैं कि ये वीडियो सिर्फ 5-6 मिनट का है, और इस बीच मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताएं उससे पहले, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आपको लग रहा है, पर थोड़ा सा आपको रगड़ना पड़ेगा हल्का सा, वो भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रही हूँ। अगर आपके पास वो सिल्वर टाइप का एक गूंजा होता है, अगर उससे आप करेंगे तो बहुत ही ईजिली निकल जाता है, फिर तो बहुत ही 1 मिनट, रियली में 1 मिनट में निकल जाता है। वो मेरे पास अभी था नहीं, इसलिए मैंने ये वाला स्क्रब यूज़ किया है, तो बस आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। हमें आप चाहें तो इसे 1 मिनट के लिए ऐसे रखते हैं, अगर आपके पास वो सिल्वर टाइप के जो होते हैं अगर वो यूज़ करेंगे फिर तो आपका 1 मिनट में ही निकल जाएगा। और इसके बर्तन जब भी आप मांजेंगे इसे यूज़ करते हुए तो बहुत ही अच्छी एक शाइनिंग आ जाती है। बस आपको इस टाइप से सारे तरफ लगा दें डिश वॉश इसका, और आप थोड़ी देर में इसे 1 मिनट के लिए रख दें अगर आपके पास टाइम हो तो। तो ये पूरा जो इसमें दाग चिपका हुआ, वैसे तो मैं जो आपको बता रही हूँ ना कि आपके पास अगर सिल्वर टाइप के जो वो गूंजे आते हैं उससे अगर आप यूज़ करते हुए मांजेंगे तो बहुत ही जल्दी 1-2 मिनट में ही निकल जाता है। तो मैंने इसे 1-2 मिनट के लिए ऐसे रख दिया जिससे ये इजीली अंदर तक इसकी जो कैल्शियम जम गया था वो पूरी तरह से निकल जाए और मुझे ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी पड़े। तो ये 1 मिनट से भी कम टाइम हो चुका है, और अब बस इसे हम वॉश कर देंगे, देखते हैं कि इसका जो नीचे का दाग है वो निकला है कि नहीं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। तो मैं पहले वॉश कर लेती हूँ इसे, आपके सामने इसलिए वॉश कर रही हूँ, नहीं तो आपको लगे कि मैं कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, इसलिए मैंने आपके सामने पूरा वीडियो शूट किया है। और आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली निकल गया है,
गूंजे से करेंगे तो बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा, जो वो सिल्वर टाइप के होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बचा है तो मैं थोड़ा सा और कर देती हूँ, ये थोड़े से 2-3 दाग ऐसे रह गए हैं, तो बस मुझे ये ऐसा करना पड़ा है और अब मैं वॉश करके इसे निकाल लूँगी। तो ये जो डिश वॉश है बहुत ही अच्छा है पतंजलि का, एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। साइड में एक बेल बटन है उसको भी हिट कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरे वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए हम वापस बोल पे आते हैं और ये बोल देख सकते हैं कि कितना क्लियर हो गया है, एकदम क्लीन सा हो गया, लग ही नहीं रहा है कि इसमें पहले कहीं दाग था। और वो दाग पानी को रखने की वजह से हो गया था, सिर्फ 5 से 6 दिन के लिए रखा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मैं और किस टाइप के वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए।